इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। पहली बार पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मंदिर की तरह थाने सजेंगे, जिसको लेकर गुरुवार की सुबह ग्रामीण आईजी राजेश हिंगड़कर सावेर पहुंचे। यहां आईजी ने समस्त स्टाफ के साथ साफ सफाई अभियान चलाया। सावेर थाना परिसर में हो रही गंदगी को लेकर समस्त स्टाफ के साथ आईजी ने भी साफ सफाई की। साफ सफाई अभियान हेतु विशेष रूप से ग्रामीण आईजी राजेश हिंगड़कर, सावेर एसडीओपी प्रशांत सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी मोहन मालवीय व समस्त थाना स्टाफ और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके साथ ही शासन के आदेश अनुसार सभी थाने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगमग लाइटों से भी सजाए जाएंगे। ये असल शासन का जो आदेश 12 जनवरी का आया था, जिसमें अयोध्या रामलला मंदिर का जो 22 का कार्यक्रम है उसके तहत 14 तारीख से 21 तारीख तक करना था, और 16 से 21 तक के जो कार्यक्रम थे उसी में 16 जनवरी को हमारे डीजीपी सर ने जो है वो एक आदेश जारी किए थे, जिसमें थाना परिसर, थाना के जो आवासीय आवास हैं जवानों के और अधिकारियों के और जो भी ऑफिसेज हैं उनकी सफाई का अभियान आज 9:30 बजे से पूरे प्रदेश में करने का आदेश दिया था। उसी में आज हमने सावेर में जो है आज थाना साफ सफाई की पूरे थाने के अंदर की। उसके बाद जो है वो एसडीपी कार्यालय और थाना जो थाने के क्वार्टर्स बने हैं उसके और मंदिर, क्योंकि कैंपस के अंदर ही मंदिर भी है, उसमें हम लोगों ने सफाई की। मेरे साथ एसडीपी सावेर थाना प्रभारी सावेर सब लोग रहे और पूरे जवानों ने मिल के उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया, क्योंकि जहाँ हमारा पूरा समय निकलता है, जहाँ हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, यदि वो साफ सुथरा परिसर रहेगा तो जो शिकायत करने आएगा उसको भी बड़ा अच्छा माहौल दिखेगा और जो थाने में अपना कार्य कर रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा। शुद्ध वातावरण रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा, शिकायतों का निराकरण भी शिफ्ट किया गया। अच्छा सर, कैसा लगा आपको ये अभियान चलता रहना चाहिए, इससे कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ, ये अभियान चलते रहना चाहिए और मेरे ख्याल से पहले भी हर इतवार को जो है वो थाना परिसर में साफ सफाई का कार्यक्रम किया जाता था और अभी भी वो जारी है, पर थोड़ा समय के हिसाब से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के कारण या कुछ परिस्थिति के कारण जो है वो 7 दिन में ना होके 15 दिन में एक बार हो जाता है। उसमें हथियारों की सफाई भी की जाती है, रिकॉर्ड भी दुरुस्त किया जाता है, जो रिकॉर्ड नष्टीकरण का काम है वो भी उसका व्यवस्थित किया जाता है और डस्टिंग भी की जाती है और सब साफ सुथरा किया जाता है।